नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट, ए सोयल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं कि तमाम ऐसे लोग, ऐसे नेता, मंत्री अपने आप को भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह बनाने में लगे हुए हैं, परंतु ये शायद हम और आप सब की मूर्खता के कारण वो भगत सिंह का एक जो सेहरा है वो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उस सेहरा के अंदर में ना जाने कितने तमाम आपराधिक कामों को करते हैं, असामाजिक कामों को करते हैं, असामाजिक लोगों का सहयोग देते हैं, आपराधिक लोगों का संरक्षण देते हैं। तो आइए चलते हैं, हम तथ्य के अनुसार बात करेंगे। मैं एक बुक लाया हूँ, उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये सरदार भगत जी का था, इसमें उनका लिखा गया है, उन्होंने ही ये सारी चीज के ऊपर में अपना एक जैसे किताब लिखे थे, उसी चीज का ये प्रकाशन हुआ है, अब बुक फॉर्म में आ गई है उसी के ऊपर। इन सब चीजों को अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, तभी ऐसे ऐसे जो नेता लोग हैं ना, वो हम लोगों को बरगलाते रहते हैं। कोई बोलेगा मैं भगत सिंह हूँ, कोई बोलेगा मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, कोई बोलेगा मैं बिस्मिल खाऊं, कोई कुछ, ऐसे कर करके हम लोगों को आपस में ये लोग बांटने का काम करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले चीज क्या होता है कि हम इन चीजों में इतनी आसानी से झुक जाते हैं, इतने आसानी से हम लोग इसमें विश्वास कर लेते हैं ऐसे ऐसे नेताओं पे, और उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं एक क्षणिक लोभ के लिए, क्षणिक सुख के लिए। जैसे कोई नेता हमें पैसा दे दे, दारू मुर्गा दे दे, कपड़ा दे दे, कहीं पे दुकान दिलवा दे, कहीं पे काम दिलवा दे, कहीं पे कुछ करवा दे, इस टाइप से लोग क्षणिक सुख में, और उसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पे उसके लिए हम लोग काम कर देते हैं। और जब वे हमारे काम से संतुष्ट हो जाते हैं या हमारे काम उनको काम आ जाती है, जब वे सत्ता में आ जाते हैं, जब वे चुनाव के दौरान वो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर वे 5 साल के लिए हमारी और आपकी मेहनत, व्यवस्था, सुविधा, इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। फिर वे उस ऐसे चार दीवारी में चल जाते हैं जहां पे ये सारी चीज को अंदर जाना वर्जित है, वैचारिक रूप से या साक्षात रूप से। हम लोग ऐसे ऐसे नेताओं को चुन के संसद में भेजते हैं जो हमारी आवाज को नहीं उठाते हैं, हमारी आवाज के खिलाफ उठने वाली आवाजों को समर्थन देते हैं, देश के खिलाफ उठने वाली ताकतों को संरक्षण देते हैं, और फिर वे ही बात करते हैं कि मैं भगत सिंह। भगत सिंह कभी चोरी, डकैती, अपहरण को संरक्षण, अपराधी को संरक्षण देने के मामले में नहीं गए थे। इन्होंने जेल में इसलिए गए थे क्योंकि ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ इन्होंने असेंबली में जाकर बम मारा था और ये दिखाया था कि भारत इतना कमजोर नहीं है कि तुम हमारे ऊपर शासन कर सको और हमें गुलाम बना कर रख सको। परंतु आज के समय में नेताओं के चाल चरित्र, रवैया क्या है, ये हम सब वाकिफ हैं। फिर भी हम वैसे नेता को जो चोर उचक को, मावालियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, वैसे नेताओं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे नेताओं के लिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप चाहे जिस भी जगह पे हैं, आपके दिमाग में राजनीति की ऐसी घोल पिला दी गई है कि आप उस घोल के अंदर से निकालने में लगे हुए हैं, इसमें कौन सा क्या मिलाया हुआ है। जैसे कोई जातिवादी निकालता है, कोई धर्मवाद निकालता है, कोई पार्टीवाद निकालता है, कोई समाज में हुए उत्पीड़नों का समस्या लेके उन सब चीजों पे, मतलब आपसी मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि हम लोग अपने बच्चे, अपने आने वाले भविष्य के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम केवल बोलते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, परंतु जब हमारी बारी आती है करने की तो हम बातों से फट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए,
और ऐसे नेताओं का तो बिल्कुल ही सपोर्ट मत कीजिए जो भगत सिंह का नाम को खराब करता है, अपने दाएं बाएं उनके चित्र लगा के लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देंगे और फिर हमारी और आपकी आवाज के ऊपर उठने वाली आवाज को संरक्षण भी देंगे और फिर चुनाव के समय वही करेंगे जो पिछली बार किए थे और चुनाव के बाद फिर वे वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का अब समय आ गया है जो हमारे शहीदों का ना हो पाए, उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, अपनी बेईमानी अपने चोर खजाने को जनता के सामने कोर्ट ला कर उनको पटक रखी है, फिर भी वे लोग बोलते हैं मैं भगत सिंह हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ और मैं तमाम राष्ट्रवादी नेता अपने आप को बना लेते हैं, तमाम राष्ट्रवादी शहीदों का अपने ऊपर नाम ले आके बैठ जाते हैं जनता को केवल गुमराह करने के लिए। हमें आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, देश के हित में जो काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना है, उनका समर्थन करना है। सत्ता आएगी जाएगी परंतु आपका सम्मान एक बार चला जाएगा, आपका संस्कार चला जाएगा, आपका धर्म चला जाएगा, आपकी संस्कृति छीन जाएगी, आपका बेटी बच्चे छीन जाएंगे, उनके साथ अपराध बलात्कार हत्या तमाम तरह के आपराधिक घटनाएं घटेंगी, वो चीजें वापस लौट कर नहीं आएगी। एक बार गई तो गई, जो घटनाएं घटी तो घटी। इसलिए हमें मजबूत सरकार को चुनने की आवश्यकता है, हमें उसके खिलाफ उठी हुई हर एक ताकत को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, ना कि उसकी हाथ और पांव खींचने की। हाथ खींचो वहां पर जहां पे वो कुछ करने के लायक है, वहां पे आप उसकी हाथ खींचो तो वो कुछ अच्छा और करके देगा, लेकिन अगर उस जगह पे आप उसकी पैर खींच लेते हैं तो वो ना आपके लिए अच्छा कर पाएगा, ना आपके देश के लिए, ना आपके आने वाले बच्चों का भविष्य के लिए। धन्यवाद।